नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना सीखेंगे, बेसन के मींजा की सब्जी, जो बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही फटाफट बनती है और जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन घर में बिल्कुल स्पेशल सी सब्जी समझ में आएगी। आप जब मेहमान आए तब बना सकते हैं, घर में जब कुछ स्पेशल खाना हो तब भी इसका आनंद लिया जा सकता है। इसको रोटी, दाल, चावल आदि किसी के साथ भी खाया जा सकता है। तो समय को न बर्बाद करते हुए आज हम देखेंगे बेसन के मींजा की सब्जी। मींजे की सब्जी बनाने के लिए हमको जिन सामग्री की आवश्यकता होगी उनको हम देखते हैं। बेसन मैंने लिया हुआ है, ये 150 ग्राम के आसपास है तौल में देखा जाए, और वैसे तो ये पौन बाउल है। इसको मैंने छान लिया है, अच्छी तरह से छलनी से साफ़ कर लिया है। साथ में बनाने के लिए मैंने लिया हुआ मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ, सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। कुछ मसाले मैंने लिए हुए हैं, जिसमें हल्दी पाउडर लिया हुआ है, पिसी धनिया पाउडर लिया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है और साथ में सादा नमक लिया हुआ है। फ्लेवर के लिए मैंने हींग ली हुई है और टेस्ट और कलर के लिए मैंने ये कश्मीरी मिर्च यूज़ करेंगे। कुछ बघार के लिए मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज पत्ता लिया हुआ है और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा दालचीनी का एक टुकड़ा लिया हुआ है, 1/4 चाय के चम्मच, 1/4 चम्मच ज़ीरा लिया हुआ है और 2 लाल मिर्च बघार के लिए लिए हुई हैं। इसमें हम डालेंगे 7 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्च। इनको जो है मैंने पतला पतला काट करके एक पेस्ट के रूप में इस तरह से बना लिया है, इसका ही यूज़ करेंगे। आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ये जो मैंने बेसन लिया था इसको एक बड़ी प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, आप चाहे किसी भी थाली या बड़े बर्तन में इसको पलट लेंगे। ये मैंने बाउल में पानी लिया हुआ है, इसका थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग करके बेसन की छोटी छोटी बॉल्स जैसी बनाएंगे। इसके लिए इसको मैं थोड़ा सा इसमें बिल्कुल देख डालूँगी मैं 1/4 चम्मच, इसमें हल्का सा नमक पानी में ही डाल देंगे ताकि बेसन में सब में मिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल 1 पिंच से भी कम हींग डालेंगे। हींग पानी में इसलिए डालते हैं कि अच्छी तरह से घुल जाएगी और बेसन में भी अच्छी तरह से सब में मिल जाएगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 से भी कम मिर्च पाउडर डाल के बाकी सब मसाले हम जब कढ़ाई में बनाएंगे, भूनेंगे, उस समय इसका प्रयोग करेंगे। अब इस पानी को देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेते हैं सबको, सब मिक्स हो जाएगा, हींग भी घुल जाएगी, पिसी मिर्च वगैरह भी सब मिल जाएगी। इस समय थोड़ी सी सावधानी हमको रखनी होगी कि हम पानी जो डालेंगे वो इकट्ठा नहीं डालेंगे, बिल्कुल ज़रा ज़रा से ऐसे ऐसे करके छींटे डब मारते हुए इस पानी को डालेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा डाल देंगे तो हमारी बॉल्स बहुत बड़ी बनेंगी, हमको मीडियम साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बनानी। अब इसको हाथ से ही हम इस हल्के हाथों से देख रहे होंगे, उंगली से ऐसे हिलाएंगे, पानी के छींटे हम हल्के हल्के से डालते जाएंगे। चाहे तो आप हाथ में ले करके डालें, उससे और सुविधा रहेगी। देखिए सब में सब तरफ चला जाएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से हम ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगानी है, और हल्के हाथों से इस तरह से करते जाएंगे। चाहे तो आप प्लेट को भी हिला सकते हैं ऐसे ही। देखिए आप देख रहे होंगे ये जो बॉल्स हैं ऊपर बन बन के आने लगी होंगी, ये देखिए छोटी छोटी गोलियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ पास से भी, ये देखिए इतनी इतनी बड़ी गोलियाँ बनती जा रही हैं मीडियम साइज़ के। अगर आप बड़ी गोलियां बनाएंगे तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बहुत महीन बनेंगी वो, तो जब हम भूनेंगे तो जल जाएंगी, इसलिए कोशिश करेंगे कि मीडियम साइज़ की बने, नहीं तो थोड़ी बहुत बड़ी और वो बन ही जाती हैं। देखिए अब जो आ रही हैं इनको ऐसे ऐसे करके एक प्लेट में निकालते जाएंगे और फिर इसी तरह से पानी डालेंगे हल्का हल्का और फिर हल्के ही हाथों से चलाते जाएंगे। और इसी तरह से हल्के हाथों से देखिए करेंगे, बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही इजी वे में
बनती है। इसी तरह से पूरी बेसन की हम छोटी छोटी गोलियां बना करके एक अलग बाउल में या प्लेट में इस तरह से निकालते जाएंगे। देखिए सभी की मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी गोलियां सी बना ली हैं और इसको 10 मिनट हवा में रख दिया था ताकि ये अलग अलग हो जाए। और इसमें जो मैंने घोल बनाया था जिससे बनाया इतना पानी भी बच गया हमारा, तो ये जब मसाला हम डालेंगे उसमें हम प्रयोग करेंगे। अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच ये तेल, सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग रिफाइंड ऑयल से भी इसको बना सकते हैं, अच्छा आएगा। लेकिन बेसन की चीज़ें मैं अधिकतर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ क्योंकि उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही सोंधापन रहता है। तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, सरसों का तेल, उसमें हम ये धीमी आँच में इसको भूनेंगे। इसमें एक दो टिप्स खास बात रहती है, यदि आप उसको ध्यान से बनाएंगे तो पूरा उसी तरह से आपको फ्लेवर मिलेगा, उसी तरह से ये यमी टेस्ट मिलेगा। वीडियो को आप पूरा देखें तभी, नहीं तो कोई एक भी चीज़ यदि मिस हो गई तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया है, अच्छी तरह से धुआं देखिए निकलने लगा है। इसमें मैं डाल दूँगी हींग और हींग के साथ में ही इसको डालूंगी सावधानी पूर्वक और धीमी आंच में ही इसको भूनेंगे। खास बात इसमें यही रहती है कि बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता, नहीं तो ये जुड़ जाएंगी। और अलग अलग करते हुए इसको देखिए, अलग अलग करते हुए और बहुत ही धीमी फ्लेम में इसको भूनना होता है ताकि ये अंदर तक सिक जाएंगी। इसको कम से कम हम 5 से 7 मिनट तक इसको बराबर इसी तरह से अलटते पलटते धीमी आंच में भूनते रहेंगे। देखिए 5 से 7 मिनट तक हो गया है इसको भूनते हुए। इस तरह से मैंने, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा इसको भून लिया है। यहाँ तक कि आप कढ़ाई से ऊपर करने में थोड़ी सी खरखराहट भी इसमें आ गई है और बहुत ही सौंधा सौंधी महक भी आ रही है। अब इसी कढ़ाई से मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में और फिर इसी कढ़ाई को फिर से चढ़ाऊँगी आगे, इसी में मसाला भूनूंगी। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, सरसों का तेल थोड़ा सा पक जाए और ये भी हमने इस तरह से इसको भून करके निकाल लिया है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही यमी लगती है बनाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और पूरा वीडियो देखें, उसको कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। हमारी कढ़ाई देखिए, सरसों कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी, सरसों का तेल भी गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी बघार, गैस की फ्लेम को कर दूंगी मीडियम और तेज पत्ता डालूंगी, एक तेज दालचीनी थी और 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा। ज़ीरा हमारा तड़कने लगा। अब मैं ये जो मैंने पीसा हुआ मसाला था, प्याज अदरक लहसुन वाला, इसको और साथ में ये जो हम बॉल्स बना रहे थे उस समय जो मसाला का पानी बचा था ये भी इसी में घोल के अभी हम रख लेंगे और इसमें थोड़ा सा मसाला जब पक जाएगा तब डालेंगे। प्याज हमारी लाल हो रही है, गैस की फ्लेम को मीडियम से लो के ही तरफ रखेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में पिसी लाल मिर्च डालेंगे। ये मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, चौथाई, क्योंकि 2 हरी मिर्च मैंने उसमें भी पीसी थी मसाले में। आप मिर्च की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले नहीं। साथ में ये जो बचा पानी था ये भी डाल देंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से सारे मसाले भुन जाएं और 2 मिनट तक लो फ्लेम में इस मसाले को भूनते रहेंगे। देखिए मसाला भी
भुन गया है, किनारे से जो तेल है वो सब छोड़ने लगा है और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। मसाले की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद करें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी इसका ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है, इसलिए मसाले की मात्रा मीडियम ही रखना चाहिए। अब मैं डालूँगी इसमें ये भुनी हुई, इसी समय हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, अपने स्वादानुसार डालेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे आधा चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर और टेस्ट बहुत ही दुगना हो जाता है। मसाले के साथ इसको थोड़ा सा एक मिनट तक भून रही हूँ, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। देखिए सब मसाला इसी में, जो बेसन की बॉल्स मींजा बनाया था इसमें लिपट गया है, और इसलिए अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैं एक बाउल डाल रही हूँ, यानी कि ये एक कप। इसके अलावा आधा कप पानी, आधा बाउल और डालेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी भी नहीं होती है और बहुत पतली भी नहीं होती है। इसको किसी भी रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा, किसी के साथ भी इसका एंजॉय किया जा सकता है। ज़रा सा पानी बिल्कुल और डाल देंगे, थोड़ा सा पानी पकने भर के लिए। और सबसे ज़्यादा अब इसमें स्पेशल चीज़ है, ये मैंने कटा हुआ आम सुखाया हुआ रखा था। आप चाहे तो इसकी जगह आधा चम्मच अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसी समय पकाते समय डालेंगे ताकि टेस्ट भी थोड़ा सा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बढ़ जाएगा, और जो शोरबा है, रसा है, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसको गैस की फ्लेम कर देंगे लो, और इसको कम से कम 5-7 मिनट तक धीमी धीमी आँच में चलाते हुए, बीच बीच में चलाते जाएंगे और पकाएंगे। देखिए धीमी आँच में पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और बिल्कुल पक के अलग हो गया है। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस इतना ही 2-4 मिनट के लिए ही पकाते हैं। 5 मिनट हो गए, अब हम इसको किसी बाउल में सर्व पलट लेंगे और गर्मा गर्म रोटी आदि के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से धनिया की पत्ती की इसमें गार्निशिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बेसन से बनी मीजा की सब्ज़ी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। अब इसको मैं धनिया की पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। गर्मा गर्म रोटियों के साथ इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। मैंने और बहुत सी ट्रेडिशनल रेसिपी जैसे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, आम पना बगजा, मूंग दाल करायल आदि मैंने डाली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फ्रेंड्स।